दोस्तों, जो ये आज का हाउस है ये वाकई ही शानदार है। आपको एलिवेशन देखकर इतना तो अंदाजा लग ही गया होगा। ये हाउस हमने हमारे क्लाइंट रणजीत राणा जी के लिए हमने इसको डिजाइन किया है। और अगर इस हाउस की बात करें तो आपका ये G+2 है और इसका जो एक्चुअल प्लॉट साइज है वो 20 फीट 6 इंच बाय 27 फीट और 6 इंच का है। अगर आप इस हाउस को 20 बाय 30 में भी बनाते हैं तो आपको अच्छा स्पेस और मिल जाएगा। जी हाँ, अगर आप वास्तु वगैरह में बिलीव नहीं करते हैं तो आपके लिए एक ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर वास्तु में बिलीव करते हैं तो आपको जो फ्रंट के टॉयलेट्स हैं उनको आपको स्किप करना पड़ेगा, फिर ये आपका ईस्ट फेसिंग के हिसाब से अच्छा हाउस प्लान रहेगा। और दोस्तों, अगर आपको ये प्लान डाउनलोड करना है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस हाउस की जो जानकारी है वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। तो इसी के साथ दोस्तों, बिना किसी देरी के हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर स्टूडियो चैनल को, मैं हूं आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी। तो आइए वीडियो की ओर चलते हैं। और क्या तो दोस्तों, आपने इसका फ्रंट एलिवेशन तो यहाँ पर देख ही लिया होगा, तो आइए इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं। तो आप इसके फ्रंट में देख सकते हैं आपको यहाँ पर पार्किंग मिल जाती है। ये पार्किंग आपकी 7 फीट बाय 8 फीट और 6 इंच की रहेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है। इसका साइज आपका 19 फीट बाय 8 फीट और 3 इंच का रहेगा। आपको जो स्टेयर है वो इनसाइड देखने को मिल जाएंगे, बाकी सीलिंग वगैरह आप इसकी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आप हाउस के फ्रंट में देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा पूजा रूम देखने को मिल जाता है, जो कि हमारे हाउस के किचन एरिया के साथ एक हिसाब से अटैच है और एक हिसाब से अटैच नहीं भी है। और इसी के साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर हाउस का एक जो मॉड्यूलर किचन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसका साइज 8 फीट बाय 7 फीट और 9 इंच का है, जो कि आपको इस प्लॉट साइज के हिसाब से अच्छा अच्छे साइज का आपको यहाँ पर एक किचन देखने को मिल जाता है। और इसके बाद हाउस के फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं, जिसका साइज आपका 12.5 बाय 8 फीट और 6 इंच का रहेगा। और आप यहाँ पर इंटीरियर देख सकते हैं, अच्छी वार्डरोब, सामने एक टीवी पैनल और इंटीरियर तो आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिल ही जाता है। और इसी के साथ दोस्तों, आपको यहाँ पर एक छोटा सा सामने स्पेस दिख रहा होगा, इस स्पेस को आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। जो आपकी वेंटिलेशन है वो हमने यहीं से दी है, हमने इसमें कुछ OTS वगैरह एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद आपको दोस्तों इसके साथ अटैच टॉयलेट भी देखने को मिल जाएगा। इसका साइज 7 बाय 5 फीट का है, आप देख सकते हैं। और जो इसकी वेंटिलेशन है वो हाउस के नॉर्थ साइड एरिया की तरफ होगी। तो आइए चलिए इसके बाद हाउस के हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं स्टेयर से होते हुए। तो दोस्तों, आप यहां पर फर्स्ट फ्लोर पर देख सकते हैं आपको यहां पर एक सिटिंग का स्पेस देखने को मिल जाता है। इसका साइज आपका 11 फीट बाय 8 फीट और 3 इंच का रहेगा, जो आपको यहां पर एक अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। हम हाउस के सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं, आप देख सकते हैं ये बेडरूम भी हमारा ग्राउंड फ्लोर की तरह सेम ऊपर बना हुआ है। और जो इसमें भी आपको अच्छा इंटीरियर, सामने वार्डरोब और सामने आपको यहाँ पर एक टीवी पैनल देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों, आप ऊपर देख सकते हैं आपको यहाँ पर भी अटैच टॉयलेट देखने को मिल जाता है। इसका साइज भी आपका 7 बाय 5 फीट का रहेगा। और दोस्तों, इसके बाद आप देख सकते हैं आपको इस रूम के साथ अटैच बालकनी देखने को मिल जाएगी, और आपको इस हाउस के हर एक रूम के साथ अटैच बालकनी देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, ये है हमारे हाउस का थर्ड बेडरूम। जी हाँ, और इस बेडरूम का साइज है आपका 12.5 बाय 7 फीट और 9 इंच का, जो आप देख सकते हैं। और आपको इस रूम के साथ अटैच ड्रेसिंग प्लस आपको यहाँ पर अटैच टॉयलेट भी देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। साइजेस हैं वो आपको नीचे यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे।
दोस्तों आपको इस रूम के साथ भी अटैच बालकनी आपको यहाँ पर फ्रंट में देखने को मिल जाएगी, जो आपकी यहाँ पर 3 फीट वाइड है। और बाकी आपके एरिया के नॉर्म्स के हिसाब से ये बालकनी डिपेंड करती है कि आप जो स्लैब है वो उसको आप कितना बाहर निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों इसके बाद हमारे हाउस के सेकंड फ्लोर एरिया की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको एक लाउंज एरिया देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों आपको ऊपर एक यहाँ पर कॉमन टॉयलेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आइए आपको इस कॉमन टॉयलेट की तरफ लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं ये टॉयलेट, और इस टॉयलेट का साइज आपका 7x6 फिट का है। आपको यहाँ पर स्पेशियस टॉयलेट देखने को मिल जाता है। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम हाउस के फोर्थ बेडरूम की तरफ चलते हैं। तो आप इस रूम का ओवरऑल व्यू देख सकते हैं। इस रूम का साइज आपका 11 फीट 7.5 इंच बाय 7 फीट और 9 इंच का रहेगा, जो कि आपको यहां पर प्लॉट साइज के हिसाब से अच्छा साइज आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो इसके बाद दोस्तों हमने आपको जैसा बोला था कि आपको यहाँ पर हर रूम के साथ अटैच बालकनी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिफ्थ बेडरूम की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं इंटीरियर्स आपको अच्छे मिल ही रहे हैं, और हमने यहाँ पर जो हमारे हाउस की वार्डरोब है यानी हमारे हाउस की स्टोरेज है उसका हमने यहाँ पर अच्छा ध्यान रखा है। स्टोरेज आपको अच्छी मिल जाती है, और आप देख सकते हैं सेम आपको यहाँ पर अटैच टॉयलेट और आपको यहाँ पर अटैच बालकनी देखने को मिल जाएंगी। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हुए हमारे हाउस के टेरेस एरिया की तरफ चलते हैं। तो आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आपको यहाँ पर स्टोरेज के लिए छोटा सा स्पेस देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम दोस्तों आ चुके हैं हमारे हाउस के टेरेस एरिया की तरफ। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर हमने एक छोटा सा ग्रीन और एक अच्छा पॉकेट गार्डन दिया है। आप इसका ओवरऑल व्यू देख सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हम आपके लिए इसी तरह की नई नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे। और अगर आप इस वीडियो के लिंक और जो इसके प्लान वगैरह हैं अगर आप उनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों नमस्कार।